मेरे हिसाब से ये नेशनल हाईवे होगा शायद। क्या उल्टा नारा, उसको ऐसे पैकिंग कर देते हैं मशीन से, देख सकते हो पूरा पक्षी उड़ रहा है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्रेक बॉयज में स्वागत करते हैं आप सभी को। तो आज की ब्लॉग भी कुछ यूनिक होने वाला है, तो देखते रहिए अंत तक, बहुत ही मस्त होने वाला है। या होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन देखते रहिए अंत तक वीडियो के। और हम आज देखने वाले हैं अहमदाबाद बस ना की थोड़ी सी झलक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाने वाले हैं नई जगह, नई लोकेशन, और बहुत दिनों के बाद तो चंचलगढ़ बस ना की लोकेशन दिखाने वाले हैं, मतलब नज़ारा। तो अंत तक वीडियो के बने रहिए। तो गाइस, अभी जा रहे हैं फिलहाल हम बसना के शमशान घाट देखने। क्या बोला तूने? बसना के शमशान घाट देखने। अच्छा, तो चलिए देखते हैं बसना की शमशान घाट कैसा है, कैसा दिखता है देखेंगे। और इधर देख रहे हो घास फूस, यहाँ का घास फूस कैसा होता है, जंगल। और इधर ये क्या है, भूतिया बंगला है। भूतिया बंगला नहीं, कोई किराए पर रहता है। तो ये किराया दरवाजा ही नहीं, ये बंगला तो रहता कौन है, लेकिन खाली है सब मकान ये। मैं रहता हूँ इधर। और इधर तालाब वालाब है, तो गाइस यहाँ पे मछली वगैरह मिलता है, मछली और कछुआ वगैरह। तो कोई खाता नहीं है इधर, सब शाकाहारी है यहाँ के लोग, मांसाहारी कोई नहीं है। अगर हमारे असम में होता ना, या ख़त्म हो जाता ये तालाब, नहीं मारता। हम ही लोग जाते उधर और ख़त्म कर डालते मछली पकड़ के। तो चलिए शमशान घाट देखते हैं। गाइस, वासना एक गांव एरिया है, तो देख सकते हो खेती का इलाका, ये सभी के सभी खेती करने का एरिया है। यहाँ पर यहाँ के किसान खेती करते हैं। ये पूजा वूजा वगैरह किया है। ये रहा शमशान घाट का इलाका, देख सकते हो ये शमशान घाट है सर, सारी की सारी शमशान घाट है इधर। ये सारे यहाँ से वो रहा, वहाँ से लेके उधर पे वो इंसान तक। सुन, उधर पे इंसान चलाने का, इधर पे इंसान गाड़ने का है। इधर गाड़ता है, हाँ, इधर क्रिश्चियन का है, उधर हिंदू का है। उधर उधर जलाता है, हाँ। वो जलाने का घर है क्या? वो नहीं, वो दूसरा वाला है उस साइड, वो वाला, हाँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। उधर इंसान बैठने का और इधर वो इधर गाड़ने का है, और इधर ये इंसान बैठने का। तो गाइस, आप लोग फाइनली देख चुके होंगे शमशान घाट, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं। और तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या शमशान तमशान दिखाता है, कुछ अच्छा कंटेंट बनाए, लेकिन क्या करें यार, हमें कंटेंट भी नहीं मिल रहा था। तो बहुत दिनों के बाद आज ही निकले हैं ब्लॉग बनाने के लिए, तो आज यही कंटेंट डाल देता हूँ, तो बुरा मत मानिएगा, और हो सके तो माफ़ भी करना, क्योंकि कंटेंट नहीं मिल रहा था ना। तो बहुत जल्द हम न्यू वीडियो के साथ आने वाले हैं। गाइस देख सकते हो इधर बहुत ही मस्त नज़ारा है, ये खेती करने का इलाका, सब ये सब देख सकते हो चारों तरफ। और उधर बड़ा सा झील जैसा है, वो खेती करने का इलाका ही है सब, लेकिन पानी भर चुका है इधर। तो गाइस, कम गहराई में मिलती है पानी गाढ़ा खोदने से, मतलब कि, और यहाँ का पानी ज़्यादातर नमक ही है, तो फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर करने के बाद पीने के लायक होता है यहाँ का पानी। ये तो कौन है, काम गड्ढे में ही मिलती है पानी। दे दे दे। क्या है? हाय गाइस। सो गाइस, आप लोग देख रहे हो ये झील जैसा जितना पानी भर चुका है। ये खेती का एरिया था, खेती करने का जगह, जो अभी पानी के वजह से कोई खेती कर नहीं सकता है। मैं और इधर दिखा, मुई करेंगा, मुई करेंगा खेती इधर। क्या बोलते हो, ये पानी में? तो गाइस, बरसात के मौसम में बहुत पानी भर जाता है इधर, इतना इतना देख सकते हो। ये सारी पानी का इलाका है, सब झील जैसा दिख रहा है ना, ये सारा देख सकते हो, सभी पक्षी है, ढेर सारा पक्षी अभी देखने को मिलेगा, पास जा रहा है थोड़ा। ये प्रकाश है, और इस तरफ में तो मैं आगे जा रहा हूँ, देख सकते हो पूरा
पक्षी उड़ रहा है, ढेर सारा पक्षी देख सकते हो उड़ के चले गए सब की सब। और आ रहा है इधर, ढेर सारा देख सकते हो पक्षी। ये सारा गाइस हम थोड़ा और आगे तक जाएंगे झील के, तो चलिए आगे तक चलते हैं। हे बाबा उधर क्या है पेड़ में, वो पेड़ में टांग के रखा है उधर, उधर नहीं है वो, रात को भूत झूलता है उधर देखो, भूत झूलता है। क्या बात कर रहे हो, ये देखो भूत का कट्टा। तो गाइस कैसा लगा ये नज़ारा और ये लोकेशन भी, ये सूरज का सीन तो बहुत मस्त लग रहा है यार, क्या बोलते हो भाई? बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर ना। तो गाइस हमारी पहली एक्सपीरियंस ऐसे घूमने का, तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग भी डाल नहीं पा रहा था, तो आज सोचा कि थोड़ा सा डाल दे छोटा मोटा। तो देख सकते हो ये रहा पक्षी सब कैसा है, ढेर सारी पक्षियाँ है वो देख सकते हो, ये सारा देख सकते हो यहाँ। और ये सूरज का सीन तो बहुत मस्त लग रहा है यार। गाइस हम थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ का नज़ारा तो सीन तो देख लिए आप लोग, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं, क्या होता है देखते हैं। ये तो खेती करने का इलाका है सब, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी, गांव जैसा ही लग रहा है, मतलब असम के फील हो रहा है बहुत। मैं तो यार असम पे मैं मारेगा मछली, मछली मारेगा या जंप मारेगा, वो जंप। तो पहले जंप मार फिर मछली पकड़ना। एक दो तीन, अभी मैं कैसे जाऊँ रे? मैं भी उड़ के आ रहा हूँ। तो गाइस फाइनली आ पहुँच चुके हम इस पार, तो अभी और जा रहे हो, सारा पक्षी देख सकते हो कितना सीन मस्त लग रहा है यार। तो सूरज भी पूरा डूबने वाला है अभी, देख सकते हो ये डूबने वाला ही है, थोड़ा सा बाकी है। तो गाइस जिसको नहीं पता है मैं बताता हूँ, ये क्या है, क्या है मेरे को भी पता नहीं है, ये क्या है गाइस जिसको पता है कमेंट करके बताइए। हाँ ये है क्या चीज, वो कुछ किसी चीज का अंडा है, किसी जीव का अंडा, तो अंडा पता नहीं है। इसका ये फल ही है, फल है इसका पेड़। तो इस घास का फल ऐसा होता है देख सकते हो गाइस, पक्षी देख सकते हो। अरे यार डीएसएलआर होता तो हमारे पास बहुत मस्त मस्त सीन देखने को मिलता है इधर आप लोगों को। वैसे भी हमारे एंड्रॉइड फोन थोड़ा वीक है, फिर भी कोशिश करते हैं हम थोड़ा अच्छा क्लिप दिखाने की। जंगली सुअर, जंगली सुअर, हाँ वो रहा। अरे वो रहा, वो हाँ सुअर, जंगली है या पता नहीं। मेरे को तो भैंस जैसा लग रहा है यार, ओ माय गॉड तू रुल अप। आगे चलो आगे चलो। देखो यार मस्त सीन यार, पक मेरे को तो वो भाई साहब बहुत सारा है मैसेज वगैरह आता है, बहुत दिक्कत में आ जाता है। सुअर है यार, जंगली सुअर है, जंगली है या पालतू है पता नहीं, जंगली है, बच्चा भी इतना सारा। काटेगा तो नहीं, डर भी लगता है यार सुअरों से। वो देख भाग रहा है, हाँ और भाग रहे भाई, सुअर ने काट लिया ना तो भाई इधर ही हफ्ते भर पड़े रहना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ क्या भाग रहा है यार, अच्छा है जाना पड़ेगा हमको।
चुपचाप से जाना पड़ेगा। अगर ये क्लिप चाहिए ना तो सच में चुपचाप से जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। देखो ये रहा जगह, इधर जगह, ये इधर ये चारा वगैरह खाते हैं, घास फूस वगैरह, ऐसा हालात कर दिया है। गाइस हम चुपचाप से जाते हैं अभी। वो रहा देख सकते हो, देख सकते हो आप, वो दिखा दे, वो दिखा दे, वो देख जंगली सुअर है, वो देख, दौड़ 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 दौड़, और रहा सर, वो देख सकते हैं। ओ भाई अरे यार मेरे को लग रहा था यार हमको ही काटेगा यार, जैसे हमको धमकी साला हमको ही काटेगा ऐसा लग रहा था, वो ही डर गया। इससे अंदर नहीं जा सकते गाइस, ये बहुत रिस्क का बात है। अभी सुअर मिला, पता नहीं और क्या मिलेगा, तो देखते रहिए और क्या मिलता है हमें देखने को। जंगल पब्लिक, वो इधर भी चीज क्या बोलता है, झील, झील, झील है, फिशारी जैसा ही है ना। हाँ ये तो मछली पालने वाला फिशारी है, देख सकते हो इतना बड़ा गाइस, वो देख सकते हो कितना सारा मछली है गाइस। सुअर किधर भाग गया पता नहीं। हो रहा ये पक्का जंगली है सर। हो रहा वो लोग का बच्चा को छीनने आएगा सोच रहा है वो सुअर, तो इसलिए हमें घूर घूर के देख रहा है, मतलब आधी रास्ते से फिर लौट के आता है, बच्चों को छोड़ देता है पहले, उसके बाद वो फिर आता है हम लोग के पास देखने के लिए। अभी तो चला गया वो, तो गाइस हम भी चलते हैं अभी। हम लोग फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग निकल चुके, कल तो उस तरफ गए थे, आज फिर इस तरफ जाएंगे। तो गाइस हम लोग कल तो हम लोग दो ही लोग थे, आज फिर से हम चार लोग निकल चुके हैं किसी नज़ारा देखने के लिए। गाइस हम लोग आते आते खेत का इलाका पहुंच चुके हैं, तो गाइस देख सकते हो यहां का खेत का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब मशीन से काट के ये कचरा जैसा वो क्या बोलते हैं नारा, उसको ऐसे पैकिंग कर देते हैं मशीन से, देख सकते हो। कचरा है जो धान से प्रोसेस होके निकलता है, जो उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी हो लेकिन ऐसे पैकिंग होके पूरा मशीन से निकलता है, देख सकते हो। तो आगे और चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है देखने को। और लोग आगे निकल गए रे। सो गाइस फाइनली हमें बहुत दिनों के बाद खुले मैदान का फील लेने को मिला, तो देख सकते हो चारों ओर बहुत दिनों बाद आए हैं इधर घूमने को, पूरा मस्त एरिया है ये, देख सकते हो हवा भी मस्त लगता है, और इलेक्ट्रिक तार वगैरह देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े खंभा उधर खेती से होके गुजर रहे। तो गाइस मेरे को लगा था चंचरवाड़ी वासना छोटा सा ही गांव होगा, लेकिन बाद में पता चला देखने में से देख सकते हो इतना बड़ा इलाका है चारों ओर, बहुत बड़ा इलाका है, तो मेरे को भरोसा हो गया कि अभी बहुत बड़ा इलाका है ये। मेरे को लगा था शुरू में कि छोटा सा ही होगा चंचरवाड़ी वासना, लेकिन बहुत बड़ा इलाका है गाँव, और खेती भी बहुत इलाका मतलब बहुत बड़ा इलाका में करते हैं, बहुत मस्त लगा यार जगह।
तो गाइस देख सकते हो इधर ये ओवर ब्रिज बन रहा है नया। यहाँ बहुत पानी होता होगा शायद, इसलिए ये नया ब्रिज बन रहा है। मेरे हिसाब से ये नेशनल हाईवे होगा शायद, देख सकते हो उधर भी बना रहे सेम इसी तरह ही, तो उधर भी बना रहे हैं। और इस तरफ तो शुरू नहीं किया है, शायद शुरू करेंगे कुछ दिन बाद। तो ये सीन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस फिलहाल अभी चलते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगली वीडियो गुजरात टू आसाम होने वाला है, तो आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो का यहीं तक ख़त्म करते हैं, चलिए।